हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडमी नोट 4 के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, यूएसबी चार्जर में कोई भी करंट कंज्यूम ना करना। ऐसी एक प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जर में कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा जब बैटरी के साथ आप इसको प्लग इन करोगे चार्जिंग में, यानी कि यहाँ पर बैटरी रिमूव है अभी, और जब हम इस फ़ोन के अंदर में यहाँ पर चार्जर प्लग इन करते हैं तो चार्जर प्लग इन करते ही इसके अंदर करंट कंजप्शन होता है। देखो 46 का करंट कंजप्शन हो रहा है, 0.46 मिली एम्पियर, और चार्जिंग ऐसा लग रहा है, दिखा रहा हो रहा है, लेकिन करंट जीरो हो रहा है क्योंकि विदाउट बैटरी है। और फिर से अगेन एक बार रिस्टार्ट हो रहा है फ़ोन, और एमआई लोगो पर आ रहा है, और यहाँ पर करंट जो है 0.17243 तक जा रहा है ये। और फिर ये फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करेगा, यानी कि ये बंद होगा और चालू होगा, क्योंकि विदाउट बैटरी रेडमी के सभी मॉडलों में आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि फ़ोन ऑन ऑफ होता है। और यहाँ पे देखो सेकंड ये चार्जिंग का लोगो भी शो कर रहा है, लेकिन करंट कंजप्शन क्या हो गया, ज़ीरो। अभी कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा, और दोबारा रिस्टार्ट भी नहीं मारा इसने, और ऊपर यहाँ पे कलरफुल LED जो है ऑन है। बाकी देखो बैटरी यहाँ पर रिमूव है, बैक साइड में बैटरी क्या है, निकली हुई है। तो बैटरी निकली हुई कंडीशन में यहाँ पर कोई करंट कंजप्शन नहीं है, और जब हम इसको बैटरी लगाते हैं अभी, तो अब देखो इस पर बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे यूएसबी चार्जर में कोई करंट कंजप्शन, अभी भी यूएसबी चार्जर में कोई करंट कंजप्शन नहीं है, और बैटरी मोबाइल के स्क्रीन पर भी कोई लोगो नहीं है। और अगर हम इसकी बैटरी को इस तरह से अब निकाल देते हैं, जैसे ही बैटरी निकालेंगे तो इसका हम चार्जर निकाल के एक बार लगाते हैं, तो यहाँ पर देखो अब ये करंट कंजप्शन करता है 0.44 का, और डिस्प्ले पर MI लोगो आता है, यानी कि ये फ़ोन केवल MI लोगो पर ही है, और कभी कभी चार्जिंग का लोगो सिंबल कर रहा है ऑफ कंडीशन में। तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। और जब हम बैटरी लगाते हैं इसमें तो ये बैटरी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, और कोई भी करंट कंजप्शन नहीं कर रहा है, यानी बैटरी लगाने के बाद इसमें चार्जिंग होनी चाहिए, वो चार्जिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से ये सॉल्व होता है। तो ज़रूर यहाँ पे बैटरी लगाने पे ही ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्शन चेक करने होंगे, बैटरी कनेक्टर पर अच्छे से ट्रेसिंग करनी होगी। तो इस फ़ोन को हम जो है प्लग आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे जो बैटरी का कनेक्टर है इसके निकाल लिया गया है, ओपन कर लिया। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे आपको देखो रेडमी के अंदर, रेडमी नोट 4 के अंदर यहाँ पे जो IC यूज़ की गई होती है वो हमारा, आपको दिखा दूँ मैं, वो IC चार्जिंग की जो होती है वो होती है PMI 8952, या फिर PMI 8940 भी इसके जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। तो इस फ़ोन में जो यूज़ होता है वो PMI 8952 ही यूज़ होता है। तो इससे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो इधर चार्जिंग IC इस शील्ड के अंदर होती है, और इस शील्ड को भी हम ओपन कर लेते हैं। हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये शील्ड ओपन करने के लिए यहाँ से देखो ये सील्ड पैक नहीं होता पूरी तरह से, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो ऊपर से ये सील्ड। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं यहाँ पे चार्जिंग IC को, तो चार्जिंग IC देखने में तो फ़िलहाल फ्रेश नज़र आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। और ये इसका थर्मल ग्लू जो है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा, तो एक बार मैं यहाँ पर छोटा सा सर्किट चेक कर लेता हूँ। वैसे तो प्रॉब्लम इधर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी रेंज में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं MID लाइन या फिर कोई अदर लाइन शॉर्ट सर्किट में तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम इसको फास्टली चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव। देखो +5 -5 लाइन तो चेक शॉर्ट है नहीं, क्योंकि डिस्प्ले आ रहा है। बूट कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, बूट कैपेसिटर ऐसे चेक होता है, शॉर्ट नहीं है। और MID लाइन, VBUS लाइन, ऐसा कुछ लाइन इसमें शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें जो है बैटरी सेंस नहीं हो रहा है। और बैटरी सेंस नहीं हो रहा तो क्या पॉजिटिव लाइन डैमेज है या क्या लाइन डैमेज है वो हम देखते हैं। तो देखिए बैटरी कनेक्टर पे, यहाँ देखो बैटरी कनेक्टर थोड़ी सी कटी हुई है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अभी भी वीडियो स्किप मत करना आप। देखो यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव लाइन ये है, ठीक है, और ये नेगेटिव लाइन है। तो बैटरी की पॉजिटिव लाइन ठीक है, उस पर हमारा बैटरी की पॉजिटिव लाइन VBAT पॉजिटिव से कनेक्टेड है। बैटरी की पॉजिटिव लाइन, अब इसको हम अब चार्जर लगा के चेक करेंगे ना, तो हमें बैटरी की पॉजिटिव लाइन
पर 0 वोल्ट, आईडी लाइन पर 1 वोल्ट से 1.4 वोल्ट और थर्मल लाइन पर हमें मिलेगा थर्मल लाइन पर 2.7 वोल्ट। तो चलिए मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में सेट कर लेते हैं और इसके अंदर हम चार्जर प्लग इन करके आपको दिखाते हैं। तो जब हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे जो कि फ़ोन वाइब्रेट करता है और करंट कंज्यूम करता है, और यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव पर कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है और बैटरी के थर्मल लाइन पर 2.7 वोल्ट अवेलेबल है। दिख रहा है, बैटरी के थर्मल लाइन पर 2.7 वोल्ट अवेलेबल है, यानी कि थर्मल लाइन का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बैटरी के आईडी की प्रॉब्लम इस कंडीशन में, यहाँ पे देखिए बैटरी के आईडी पे कोई वोल्टेज नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए था। और ये आईडी लाइन यहाँ इस डायोड से होते हुए इस पॉइंट से कनेक्टेड होता है, तो इस पॉइंट पर भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो बैटरी की आईडी लाइन हमारे यहाँ पे जो है वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि बैटरी की आईडी लाइन ओपन हो गई हो, या फिर बैटरी की आईडी लाइन जिस आईसी में कनेक्टेड है वो आईसी ख़राब हो। तो वो आईसी चार्जिंग आईसी है जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले पीएमआई, तो हो सकता है कि वो पीएमआई ख़राब हो गई हो या फिर हमारी पीएमआई से वो सर्किट ओपन हो गई हो। तो चलिए हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो हम डायोड रेंज पर सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को, रिवर्स बायस में हम चेक करेंगे। यहाँ पर बैटरी की थर्मल लाइन और बैटरी की पॉजिटिव लाइन ऑलरेडी हमने चेक की, 421 थर्मल लाइन, 466 यानी 466। अब रही आईडी लाइन पे 1300 आना चाहिए, तो यहाँ पे आईडी लाइन पे 1300 नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन हमारा क्या है, ओपन है पूरी तरीके से। और ये लाइन ओपन तो कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन केबल कटा हुआ है जैक ओपन होने से, तो जैक तो फिजिकली सही दिख रहा है, थोड़ा सा डैमेज है बस। तो ये लाइन यहाँ पे जाती है, तो इस पे भी हम चेक कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ पे भी कनेक्टेड है और रीडिंग यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी 003 लो रीडिंग दे रहा है, यानी कि है कनेक्टिविटी। तो हमें ये पता चल गया कि आईडी लाइन तो यहाँ तक कनेक्टेड है। अब यहाँ से सीधा ये सीधे जाता है बैक साइड में हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर। तो इस कंडीशन में हमें इस चार्जिंग आईसी को अब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम चार्जिंग आईसी को निकाल लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है सर्किट कनेक्टेड है या नहीं है वहाँ तक। अगर कनेक्टेड होगा तो हम दूसरी आईसी को लगा देंगे, और अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो हमें उस सर्किट का पूरा जंपरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस आईसी को हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। अब हम इससे ये चेक करना है हमें यहाँ पे कि इसकी जो वो पिन है, जो आईडी लाइन है वो कौन सी है। तो चलिए हम चलते हैं बोर्नियो के बिट मैप पर और आपको दिखाते हैं कि वो लाइन इसमें कौन सी है। तो ऑलरेडी हमने बोर्नियो ओपन कर रखा है और बोर्नियो की स्कीमेटिक ओपन हुई है, तो यही आईडी लाइन है बैटरी कनेक्टर से, जो एक रजिस्टर डायोड से होते हुए इस तरह से हमारा रजिस्टर पैरेलल है। तो यहाँ पर मेरी लाइन हमने ये डायोड के पास चेक किया, जो कि एनसी कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने चेक किया तो वो रीडिंग नहीं है। और ये लाइन सीधा हमारी आईसी के अंदर जाती है, यहाँ से बैटरी आईडी लाइन यहाँ पे 86 नंबर के पिन पे। तो चलिए बिट मैप ओपन कर लेते हैं। रेडमी नोट 4X क्वालकॉम यहाँ पे दिख रहा है, यही है हमारा बिट मैप इसका। और ये 86 नंबर की पिन है, तो वो मुझे ऐसे ही पिन की काउंटिंग से भी पता चल सकता है।
तो चलिए अब जो है हम इसको बैटरी कनेक्टर के पास ले चलते हैं। और इसकी जो लाइन ओपन है उस पर क्लिक कर देते हैं। ये साफ दिखा रहा है आपको कि ये यहाँ से होता हुआ, यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ से ये होता हुआ सीधा 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 जो है, ठीक है, यहाँ पे आईसी का नोज कट है इधर में, तो इधर से हमारा होता हुआ सेकंड लाइन में 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर के बॉल पर, सेकंड लाइन में फिफ्थ नंबर के बॉल पर। तो चलिए इसके लिए हम एक बैटरी कनेक्टर के ऊपर पहले जंपर लगा लेते हैं, फिर यहाँ से सेकंड लाइन में 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर के बॉल पर जो है कनेक्टिविटी हम चेक करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वो फिफ्थ नंबर की बॉल जो है फ्रेश है या नहीं। 1 2 3 4 फिफ्थ, ठीक है, तो ये फ्रेश ही है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको चेक करने का एक तरीका बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज लगाएंगे और कंटिन्यूटी रेंज पर हम मल्टीमीटर का बीप साउंड चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ से 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर की बॉल को चेक करते हैं, ये ग्राउंड तो नहीं है। 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर की बॉल ग्राउंड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आईडी लाइन को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ट्रैक सही है नहीं है। ये आईडी लाइन का जंपर जो है, ये आईडी लाइन जो है ये बगल में ही शॉर्ट करेंगे, इसी को शॉर्ट करेंगे, और अगर उस बॉल पर ग्राउंड आने लगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ट्रैक वहाँ तक सही है। तो हम इतना बड़ा जंपर लगा के मल्टीमीटर से ना चेक करने के बजाय हम छोटा सा जंपर यहीं पर दे के इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा सर्किट जो है वहाँ तक कनेक्टेड है कि नहीं। अगर यहाँ पे बीप आता है तो इसका मतलब है कि सर्किट हमारा वहाँ पे कनेक्टेड है। तो चलिए यहाँ पे हम छोटा सा जम्पर अप्लाई कर लेते हैं। और थर्मल लाइन ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, क्योंकि अगर वो कनेक्टेड नहीं होता, चलिए वहाँ पे जंपर ना करके हम कहीं पे भी यहाँ पे बोर्ड में कहीं पे भी ग्राउंड में सोल्ड कर देते हैं, जिससे कि हमें इजीली सोल्ड मिले यहाँ पे। ये एंटीना जैक में ही कर देते हैं जहाँ पे भी इजीली सोल्ड हो सके। ये थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कहीं पर भी कर सकते, जरूरी नहीं एंटीना जैक पे ही अप करना अपने में, ठीक है। ये सोल्ड हो गया, मुझे केवल उसकी ग्राउंड के लिए चेक करना था, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। अगर वो ग्राउंड कनेक्ट हो गया इसका मतलब ट्रैक यहाँ तक कनेक्टेड है और मुझे दूसरी आईसी यहाँ पे लगानी चाहिए। तो चलिए बज रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर पे ग्राउंड आ गया। इसका मतलब है देखो यहाँ पे कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? तो हम कंफर्म करते हैं ऐसा प्रॉपर है कि नहीं, कंटिन्यूटी पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कंटिन्यूटी पूरा आ रहा, सही आ रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे सीधा आईसी लगाएंगे और जंपर को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम सीधा फ़ोन को चेक करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसकी पुरानी आईसी भी इसमें चल जानी चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम आ रहा था ये मॉइस्चर की वजह से आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम नई आईसी से ही रिप्लेस करेंगे, पुरानी आईसी यहाँ पे हम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि दोबारा हमें वही प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एक न्यू आईसी जो है इसकी जगह पे प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम न्यू आईसी लगा देते हैं। रिन्यू आईसी को हम रिवॉल्व नहीं करने वाले, काफ़ी लोग इसको रिवॉल्व करते हैं फिर लगाते हैं, लेकिन हम इसको रिवॉल्व नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं कि ये बिना रिवॉल्व का ही ऐसे ही फिट हो जाए, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी अलग होती है और ये जल्दी मेल्ट करता नहीं है, इसकी वजह से आईसी जल्दी बैठती नहीं है। तो एक बार अच्छे से अगर आईसी की ग्रिप चाहिए आपको तो आपको एक बार रिवॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो पैड पे परफेक्ट सोल्ड होता है। लेकिन हम रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगल बगल के जब शोल्डर्स मेल्ट करने लगे हैं तो हमने यहाँ पे हीट को हटा लिया और अभी एक बार यहाँ पर हम पेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। और अब हम इस आईसी को एक बार हिला देंगे। तो आईसी को हमने दो बार हिला लिया है और ये आईसी सही जगह पे सोल्ड हो चुकी है, बैठ चुकी है। तो थोड़ा सा हम बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर हम चेक करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप ऐसे ही वीडियो को वॉच कर सकें। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस लेवल की कोर्स जो है सीख सकते हो, जिसमें आपको ए टू जेड कोई भी आईसी को निकालना लगाना तो आपको समझाया जाएगा कैसे निकाला लगाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक एक सर्किट के बारे में बताया जाएगा कि इस चार्जिंग आईसी के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी सर्किट है जो आपको चेक करनी चाहिए, पावर आईसी क्या है, कैसे काम करता है, कितनी पावर आईसियाँ होती हैं 4G फ़ोन में, कितनी पावर आईसियाँ होती हैं 5G फ़ोन में, वो किस तरह से काम करता है, उनका पावर सिक्वेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल पर बताई जाएंगी। तो 27 मार्च से स्टार्ट होने वाले न्यू बैच में आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके आप अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आईसी लग चुकी है और अभी जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो इसके लिए हमें आईडी लाइन पर जो है रीडिंग मिलनी प्राप्त हो जाएगी, यानी रीडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर रीडिंग मिलनी शुरू हो गई आईडी लाइन पे तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए जंपर को हम तोड़ लेंगे जो आईडी पे हमने जंपर लगाया था ग्राउंड से, इस बात को पता करने के लिए कि हमारी लाइन जो है बॉल तक कनेक्टेड है या नहीं। तो चलिए इस जंपर को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और अब हम रीडिंग चेक करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आईडी लाइन पे देखो अभी भी यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2100 की रीडिंग आती है अदर मॉडलों में। अब हम चेक करेंगे एक बार कूल टेस्टिंग यहाँ पे सही हुआ या नहीं हुआ, एक बार हम चेक करेंगे इसकी कूल टेस्टिंग और देखेंगे यहाँ पे जो है हॉट टेस्टिंग। यहाँ पे कूल टेस्टिंग में हमें कोई भी रीडिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आईसी का वो पिन जो है वो लूज़ हो गया होगा जिससे वो कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें पूरी बात पता चल जाएगी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम कहाँ पे है, वोल्टेज आया नहीं आया। तो हम यहाँ पे बैटरी को लगा लेते हैं, कनेक्टर को लगा लेते हैं चार्जिंग वाले, सब बोर्ड को कनेक्ट करके यहाँ पे हम इसमें पावर इंजेक्ट करके ट्राई करते हैं। और अब हम वोल्टेज रेंज पे चल के वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पे आईडी लाइन पे वोल्टेज अभी भी नहीं आ रही है, केवल थर्मल लाइन पर वोल्टेज आ रही है, आईडी लाइन पे कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, जबकि आईडी लाइन ओपन है उस पर रीडिंग भी नहीं आ रही है, जबकि उस पर थोड़ी सी रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ये पूरा पूरा जो है वोल्टेज ही ड्रॉप दिख रही है और रीडिंग भी नहीं है। तो इस कंडीशन में अब हम एक बार आईसी को फिर से हिलाएंगे, क्योंकि देखो आप यहाँ पे आईसी आपने चेंज कर लिया मान लो, फिर भी अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और ना ही रीडिंग आई वहाँ पर और ना ही वोल्टेज आई। तो चलिए अब ये एक चैलेंजिंग हो गया, तो कुछ भी नहीं है, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायोड नज़र आ रहा है आपको, इस डायोड को हम जो है रिमूव कर देंगे इस तरह से, क्योंकि ये डायोड में भी प्रॉब्लम हो सकता है जिससे वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो रही थी। और एक बार अब हम चेक करेंगे यहाँ पे रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पे डायोड वैल्यू अब हम फिर से चेक करेंगे, देखेंगे रीडिंग आ रही है नहीं आ रही। तो अब देखो यहाँ पे रीडिंग अभी भी
अवेलेबल नहीं है। इसकी दोनों पिन आपस में कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे डायोड तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये रजिस्टर भी हमारा लगा हुआ है, इसका दूसरा पोर्शन ग्राउंड है कि नहीं, ठीक है ग्राउंड है, और ये इस लाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग अभी भी नहीं आया, तो इस कंडीशन में हमारा हो सकता है कि आईसी सही से बोर्ड में बैठी नहीं हो, आईसी का जो वो पिन है वो थोड़ा लूज हो, वो कनेक्ट नहीं हुआ हो इंटरनली, जो प्रॉब्लम इससे पहले भी दिख रही थी। तो हम एक बार आईसी को और भी यहाँ पे अच्छे ढंग से, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवॉल्व नहीं किया आईसी को, तो ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो बॉल जो है कनेक्टेड तो है, तो रीडिंग तो आनी चाहिए। तो एक बार हम उसको फिर से जो है टच करेंगे आईसी को, तो आईसी को एक बार फिर से वहाँ पे रोटेट करके चेक कर लिया है, अच्छी तरीके से वो रोटेट हो रही है। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम भी कई बार आती है, आईसी कितनी बार भी आप रोटेट करो टच करो वो बोर्ड में टच होती नहीं है, उसकी एक दो बॉल्स ऐसे हो जाते हैं वो टच होती नहीं है। तो उसके लिए हमें पीपीडी यूज़ करना पड़ता है फिर से, और पीपीडी बोर्ड पर भी अप्लाई करना होगा और पीपीडी आईसी में भी अप्लाई करना होगा। रिवॉल्व करके आईसी को दोबारा लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं ठंडा करने के बाद यहाँ पे रीडिंग अवेलेबल हो रही है नहीं हो रही है। और ये एक सिंपल सा केस था जो कि यहाँ पे ट्रेस करने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो है हमारी ऐसी प्रॉब्लम आईडी लाइन की है। जैसे बैटरी लगा रहे तो कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है, और बैटरी का चार्जिंग का लोगो आ चार्जिंग एमआई का लोगो आ रहा है, कभी कभी चार्जिंग का लोगो आ रहा है विदाउट बैटरी, जैसे भी बैटरी लगा रहे कुछ भी नहीं हो रहा। तो बोर्ड हल्का हीट ही है अभी, फिर भी हम एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कोई रीडिंग आ गई है, यानी कि अभी रीडिंग है तो इसका मतलब है कि ठंडा होने के बाद भी रीडिंग होगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये ठंडा होता है तो देखते हैं इस पर रीडिंग कितनी होती है और ये रीडिंग जो है कहाँ तक जाती है। तो थोड़ा सा बोर्ड को हम आपके सामने यहाँ पे लाके ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड जो है अभी नॉर्मल कंडीशन में लगभग आ चुका है, और अब हम देखते हैं यहाँ पे रीडिंग कितनी हो चुकी है। तो आईडी लाइन पे यहाँ पे अभी जो रीडिंग है उतना ही है और थर्मल पे भी उतना ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको, ठीक है यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में 2000, चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम अभी क्या सॉल्व हुआ नहीं हुआ। और इसकी जो है वीपीएच लाइन भी अगर हम चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं वीपीएच की जीआर लो है ज़रूर, वो इस डायोड से सॉल्व हो जाएगी, आप लोगों को पता है, इसको रिमूव करते ही जीआर जो है वीपीएच की वो सही हो जाएगी, वो हम देखेंगे अभी। चलिए एक बार हम पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ। और जो वीपीएच की जीआर कम है वो तो डायोड से सॉल्व हो जाएगी, सभी लोग जानते होंगे, वो डायोड रिमूव करते ही वो रेटिंग जो है 195 आ रही है वो सही हो जाएगी। तो एक बार हम इसका डिस्प्ले भी लगा लेते हैं क्योंकि इसी साथ वो चेक हो जाएगा पूरी तरह से ऑन हो रहा नहीं हो रहा, वो देखते हैं सीधा बैटरी से ही ऑन करके, क्योंकि बैटरी तो इसका ऑलरेडी चार्ज ही है। वो
और इसका ऑन ऑफ पत्ता जो है कहाँ पे, ऑन ऑफ पत्ता बताइए। ठीक है, तो इसका ऑन ऑफ पत्ता हम लगा लेते हैं, बैटरी के साथ चेक करते हैं ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए ये बैटरी के साथ ऑन तो हो रहा है लेकिन अभी क्या है, ब्लू डिस्प्ले दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको जो है डिस्प्ले को सही से लगाते हैं और ट्राई करते हैं। ये ब्लू डिस्प्ले दिखा रहा है, यानी कि पीएमआई आईसी जो है हिलाने के बाद अंदर उसकी कुछ बॉल्स आपस में लग रहा है टच हो गई है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। तो चलिए एक बार हम फिर से चार्जर लगा के आपको दिखाते हैं। देखो करंट 65 का ले रहा है, डिस्प्ले पे ब्लू डिस्प्ले आ रहा है और 1 एम्पियर से ऊपर का करंट ले रहा है, यानी कि प्रॉब्लम उसी आईसी में है। वो आईसी अभी सही से बैठी नहीं है। तो उस आईसी पे ग्राफिक हमने देखा था, ग्राफिक आ रही थी उस आईसी पर, तो उस आईसी को हमने जब रोटेट किया तो शायद वो आईसी इंटरनली जो है सट गई उसकी पिने कई जगह पे, इसलिए उसकी रीडिंग भी सही नहीं आ रही है। यहाँ पे रीडिंग जो है हमने बोला था 1300 के आसपास आनी चाहिए, ये रीडिंग 400 आ रहा है, यानी कि ये रीडिंग जो है कहीं टच हो रही है। तो चलिए इसको जो है हम इसको जो हम एक बार रिवॉल्व कर देते हैं आईसी को। और यहाँ पे हम बोर्ड में भी पीपीडी अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अब आसानी से, क्योंकि लोगों तो आ ही रहा था अभी ग्राफिक का और आएगा भी, क्योंकि ये आईसी जो है अभी जब हमने रोटेट की तो अंदर पिने सट गई होंगी आपस में। और साथ ही साथ हम इसके डायोड को भी रिमूव करेंगे, ये जो डायोड है इसे हम सर्किट से रिमूव करेंगे। तो चलिए इस पर हम पेस्ट लगा लेते हैं पहले। अभी आईसी आसानी से मेल्ट करेगी क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बराबर कर ली गई है दोनों साइड, आईसी में भी और पैड में भी। जबकि जो डायोड है उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, निकलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। पहले हम आईसी को लगा लेते हैं सही ढंग से।
अभी आईसी पर प्रॉपर बैठ चुकी है। यहाँ पे जो डायोड है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो डायोड को हमने निकाल लिया और हम बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। अब हम चेक करते हैं डायोड वैल्यू। तो डायोड वैल्यू अभी भी 400 आ रही है, 1800 देके 400 हो रहा है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले पूरी तरह से आ रहा नहीं आ रहा और चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, और बैटरी से फ़ोन तो ऑन होने लगा था इस आईसी के साथ में। तो चेक करते हैं, रेटिंग थोड़ी सी चेंज आ रही है तो तब भी हम चेक करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार तो आईसी लगी है सही से और उसमें विदाउट कोई हलचल, यानी कि आईसी सही से लगी है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसको हमने ज़्यादा हिला दिया या नीचे पिन सट गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आप MI लोगों के साथ ये फ़ोन विथ बैटरी ऑन हो रहा है, और थोड़ा सा वेट करते हैं हम और आपको वो कंडीशन भी दिखाते हैं जो प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए GR की वजह से हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ यहाँ पे कि GR सही नहीं आ रही है तो उसको चेंज कर दो, जबकि यही IC में अदर फ़ोनों में आपको GR 1300 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर थोड़ा सा GR चेंज था ज़रूर, लेकिन ये बैटरी से ऑन होने लगा पूरी तरीके से, ये 3 डॉट में जा चुका है। तो ऑन होने देते हैं और उसके बाद हम आपको चार्जिंग होता है वो भी दिखाएंगे, और ऑफ में जो कंडीशन था जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो भी एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है और इसको हम एक बार ऑफ़ कर लेते हैं विदाउट बैटरी और चार्जर लगा लेते हैं, और चार्जर लगाने के बाद विदाउट बैटरी देखो आप ये वाइब्रेट कर रहा है, MI लोगो आ रहा है, और करंट देखो आप, करंट USB चार्जर में 0 4 7 4 3 0, क्योंकि फ़ोन ऑन हो रहा है अभी। देखो जी बैटरी के चार्जिंग लोगो आया, विदाउट बैटरी है ये। अब हम इसमें बैटरी को टच करते हैं, बैटरी लगा दिया और अब देखो विथ बैटरी भी ये करंट ले रहा है और चार्ज भी कर रहा है, पूरा करंट ले रहा है। पहले तो बैटरी लगाते ही करंट 0 हो जा रही थी, तो प्रॉब्लम इसके अंदर यही था कि बैटरी लगाते ही USB चार्जर में कोई करंट नहीं था, और अभी ये करंट ले रहा है और चार्ज भी हो रहा है। अगर आप देखो तो इसको विथ बैटरी यहाँ पे जो चार्जिंग का सिंबल भी शो करेगा, देखो यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है। तो ये चार्जिंग अब हो भी रहा है क्योंकि 1 एम्पियर से ऊपर का करंट कंज्यूम कर रहा है कंटिन्यूस, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो ID लाइन का था वो सॉल्व हो चुका है। और हम देखते हैं ID लाइन पे वोल्टेज कितनी है, तो बैटरी को रिमूव करके हम ID लाइन पे जो वोल्टेज आती है वो आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि उसे भी आपको जानना चाहिए और सिंपली वहीं से पता चल जाता है। देखो वाइट ID लाइन पे 1 वोल्ट आ रही है, 0.91 वोल्ट आ रही है। तो ये प्रॉब्लम ID लाइन की थी, जो कि IC हमने पहली बार लगाया वो IC एकदम फ्रेश थी, न्यू थी। मैंने आपको लगा के इसलिए दिखाया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आती है, आप न्यू IC लगाते हो और आपका काम नहीं होता, सेम ऐसा ही कंफ्यूजन करता है कि IC तो लग गई, सर्किट भी सही है, ट्रैक भी सही है, वो IC लगती नहीं है। नीचे कुछ बॉल ऐसे होते हैं जिनको डिसोल्डर से क्लीन करना ही पड़ता है, और ऐसी ही प्रॉब्लम कई बार लोगों को 4G RF के साथ देखने को मिलती है, और वो IC लगाते हैं 4G RF लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए आपको PPD से पैड भी और IC भी पूरी तरह से क्लीन करनी चाहिए।
तभी जाके आपकी आईसी जो है प्रॉपर बोर्ड में बैठेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही सॉल्व होगी। यहाँ पे देखिए नोट 4 में बैटरी के आईडी लाइन पे जो रीडिंग है वो 400 है रिवर्स बायस में और थर्मल पर भी 400 है, लेकिन यही आईसी सेम टू सेम आईसी दूसरे बोर्ड में 1300 भी जीआर देखने को आपको मिलेगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर भी आपका सही है, यहाँ पर भी आपका सही है, और बस ये होना चाहिए कि ओपन और शॉर्ट नहीं दिखना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें वोल्टेज आपका जो हमने बताया 1 वोल्ट और थर्मल पर 2.7 वोल्ट ऐसा आपको वोल्टेज जो है प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी आईडी थर्मल लाइन की वजह से ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी की पॉजिटिव लाइन की सेंसर लाइन से प्रॉब्लम हो सकती है। बैटरी की सेंसर लाइन आप चेक करोगे आईसी के अंदर जो सेंस लाइन है, वी बैट सेंस पॉजिटिव, वी बैट सेंस नेगेटिव, वी बैट आई सेंस पॉजिटिव, वी बैट आई सेंस नेगेटिव, वी बैट चार्ज सेंस पैक वाली लाइन को, इन 5 लाइनों को आप चेक करोगे जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।